प्रतीक भाई चेस्ट करते हुए हमें भाई को तेंदुआ दिखा है। जैसे ही तेंदुआ दिखा तो सीधा बोले चलो, जो काम था वो करके आए, ऐसा नहीं कि नहीं करके आए। प्रतीक भाई और हमारे अंकुर भाई दिखा और तेंदुआ के मुंह से निकल के आए हैं आज, नहीं तो तेंदुआ आज इनको कच्चा निकलने की कोशिश में था आज। भाई नसीब लगता है आदमी को, सही में नसीब होता है जो आदमी, वो कर्म उनका अच्छा था जो तेंदुए ने कुछ किया नहीं। क्यों प्रति भाई? यस यस तेंदुआ आज पहली बार, अभी 4 महीने के बाद आप लोगों को नाइट का, आज का जो ब्लॉग है नाइट में रहेगा पूरा। और आज हम लोग जा रहे हैं उकड़ डैम, जो सूरत से लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में गाइस, और देख सकते हो नाइट का व्यू कितना मस्त लग रहा है। गाड़ी चल रही है बेहतरीन। अभी तो हम लोग सूरत से निकल रहे हैं, सूरत से मतलब निकलेंगे, उसके बाद आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। और आज हमारे साथ है हमारे अंकुर भाई और जो है कैमरामैन हमारे प्रतीक भाई, जो आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रतीक भाई को मिलाऊंगा। फिलहाल तो गाड़ी चलाते चलाते मैं मोबाइल नहीं पकड़ सकता हूँ गाइस। चलिए बने रहे हमारे ब्लॉग में। कैसा लगता है आज का नाइट का जो ब्लॉग है, अपन कंटिन्यू करेंगे आने जाने का, इसके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल में तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी काम होने के बाद समझ में आएगा बाकी काम चल रहा है बाकी नहीं चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मोस्टली आधा काम तो हो चुका है, आधा काम बचा हुआ है। लगभग 2025-26 तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा है, उसके बाद गाइस इसके आगे जो आएगा बुलेट ट्रेन का आएगा, जो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई वाली चलने वाली है, मुंबई से अहमदाबाद चलने के लिए और सूरत होते हुए जाएगी। तो उसका भी बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज होता है बुलेट ट्रेन का, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी रुक जाइए, अभी आएगा वो। उसका भी यहाँ पर जो है स्टेशन बन रहा है, मतलब डेवलप तो हो रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, तो पक्की बात है। और ठंड लगेगी इसके कारण से, वैसे ठंड तो आज है नहीं, पर सूरत में ठंड नहीं है, पर बाकी बाहर जैसे जाते हैं ना तो ठंड बहुत लगती है। और जैसे कि हम लोग जो जा रहे हैं उकड़ डैम, और पूरा पानी वाला इलाका है, उसके बाद जो है ना वहाँ पर ठंड जबरदस्त रहने वाली है। तो टोपा उपा जैकेट वैकेट अपन ने ले लिया है, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बन रहा है, जो ब्रिज जा रहा है सूरत से अहमदाबाद के लिए, और मतलब मुंबई से अहमदाबाद है वो, पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी दूरी पे वो ब्रिज है, जो स्टेशन भी बन रहा है यहाँ पर ही। तो मोस्टली गाड़ी जो है सूरत होते हुए हम अहमदाबाद जाने वाली है। मुझे जितनी जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मुझे कोई इतनी खास जानकारी नहीं, पर इतना लोग बता रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन का ब्रिज है। जैसे कि आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, काम वो देख सकते हो आप सामने जो है, वो जो दिख रहा है ना आपको स्टेशन बन रहा है उस साइड में, राइट साइड में देख सकते हो आप। और सीधा सीधा जो है ब्रिज निकलने वाला है, मतलब ये देखो स्टेशन कितना बड़ा बनने वाला है इसका। अंधेरे में आपको कुछ खास दिखेगा नहीं, पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को दिखना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक है ना इसके कारण से। ये वाला स्टेशन है बुलेट ट्रेन का, उसे ही देख सकते हो आप। ये जो पिलर खड़े ना, ये यहाँ से होते हुए जाएगी बुलेट ट्रेन, और इस साइड देख सकते हो आप ये है स्टेशन, जो अभी काम चल रहा है। अभी फिलहाल तो पूरा काम हुआ नहीं, अभी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा बहुत मेरे ख्याल से। तो देख सकते हो इस साइड आपको दिखेगा, यहाँ पर मोस्टली अभी नहीं नहीं करके तो मान लो आप 5-6 साल तो कंप्लीट लगी जाएंगे मेरे ख्याल से, पूरी बुलेट ट्रेन खड़ी होने में कम भी लग सकते भाई, अब उनको क्या पता। पर अच्छा है, सब चीज़ें बन रही है इंडिया में, बनना चाहिए।
फास्टैग में रिचार्ज ना होने के कारण हम लोगों को फिर से पीछे आना पड़ा, फिर जा रहा है बिल, देखते हैं भी फास्टैग में रिचार्ज हुआ कि नहीं। भूषण भाई ने रिचार्ज कर दिया, बोला भी बोले रिचार्ज तो कर दिया है, देखते हैं देखते कितना टाइम लगता है यहाँ पर। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए भी। अरे क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बड़ी फॉर्म में खुल गए हैं, अच्छी बात है। पहुंचते हैं गाड़ी के पास क्योंकि रात के अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं और अपन है सोनगढ़ नहीं ब्यारा वाले टोल प्लाजा पे, सोनगढ़ आने वाला है भी। सोनगढ़ तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर बचा होगा, 10-12 किलोमीटर। गाड़ी पे जाते भी ना, गाड़ी का काम करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि अभी हम 12:30 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं, कम मतलब जहाँ पर पहुंचना था हम लोगों को गाड़ी ब्रेक डाउन अटेंड करने के लिए, तो पहुंच चुके हैं। और अंकुर भाई और प्रीत क्या नाम है उसका मैं भूल जाता हूँ, अंकुर भाई और प्रतीक भाई गए हुए अभी गाड़ी के पास देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो क्राउन खुलेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो चलिए जब तो क्राउन खोलते हैं थोड़ा सा अपन आराम कर लेते, कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि कंटिन्यूस 10 बजे से गाड़ी चला रहा था, तो अब भी जस्ट पहुँचा हूँ, तो बस जितने जल्दी वो खोलेंगे फिर उसको डाल के लेके जाना है कंपनी में। चेस चेस प्रतीक भाई चेस करते हुए हमें भाई को तेंदुआ दिखा है, जैसे ही तेंदुआ दिखा तो सीधा बोले चलो जो काम था वो करके आए, ऐसा नहीं कि नहीं करके आए। प्रतीक भाई और हमारे अंकुर भाई जो चाय पार्टी करवा रहे हैं आज, भूख लग गई है तो रात के 2:30 बज रहे होंगे ना, 2:30 बज चुके हैं, जा रहे हम लोग अभी वापस सूरत। सूरत जाकर अभी मतलब जाएंगे और देखेंगे, सुबह करेंगे गाड़ी को सॉल्व। भाई जब तक चाय नहीं पियोगे ना तब तक मज़ा नहीं आता है मुझे तो, अपना रिकॉर्ड है भाई, चाय पहले खाना बाद में, समझे, ये रिकॉर्ड है अपना। तो चलिए गाइस निकलते हैं अभी अपने यहाँ से, रात के 2 बजने वाले हैं, मैं सोच रहा था 2:30 बज चुके, पर 2 ही बज रहे अभी। तो वो पीछे कोई नहीं है, खाली मार के जान दे। अभी अपनी बैटरी हो गई चार्ज, अबे सूरत तक चलेगी बराबर गाड़ी। हाँ ये हमारे प्रतीक भाई है जो आज इनको तेंदुआ दिखा और तेंदुआ के मुंह से निकल के आए हैं आज, नहीं तो तेंदुआ आज इनको कच्चा निकलने की कोशिश में था आज। भाई नसीब लगता है आदमी को, सही में नसीब होता है जो आदमी, वो कर्म उनका अच्छा था जो तेंदुए ने कुछ किया नहीं, क्यों प्रतीक भाई? यस यस, तेंदुआ आज इनको लेके जाता नहीं तो। अच्छा उनकी ध्यान चली गई, कैसे ध्यान चली गई तुम्हारी? तेंदुआ देख के, मतलब पता कैसे चला कि भाई तुम्हें तेंदुआ देख रहा है? मैंने देखा ना। अरे तो भाई मेरे उनसे बहुत भोग रहे थे। अच्छा और आवाज आई, अचानक से नजर गई हैं। चलो कोई नहीं, मिलते हैं कंपनी में आप लोगों से। तो बज चुके हैं रात के 3, मतलब रात की क्या बोलेंगे, अभी सवेरा ही होने वाला है 1 घंटे के बाद, तो 3 बज चुके हैं, पहुंच चुके हैं कंपनी में। तो कुछ हमारा कंपनी का दृश्य इस तरीके से दिख रहा है आपको, और हमारे अंकुर भाई जो है बढ़िया मजे से सो रहे हैं, और विशाल भाई जो आ रहे हैं, विशाल भाई को अपनी राम प्यारी को करते हैं यहाँ पर खड़ी ऐसे आराम से, नो प्रॉब्लम। बस
आई होप कि ये व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।